हेलो गाइस, कैसे हो? सो आई होप कि आप सब बड़े होंगे। तो इस वीडियो के अंदर आप बात करें अपने दिवाली पास इवेंट से रिलेटेड। तो गाइस, मैं आपको जो इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर करके दूंगा कि अगर आप जो दिवाली पास इवेंट को 1 से 2 दिन बाद या फिर 3-4 दिन बाद जो है अगर परचेस करते हो तो क्या आप सबको जो ग्लोअर का स्किन है, गन का स्किन और जो कार का स्किन है वो परमानेंट मिलेगा या फिर नहीं, उसका मैं आपको जो डाउट इस वीडियो में क्लियर करके बताने वाला हूं। बट गाइस, उससे पहले आपको यार क्या करना है, मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करना है। तो गाइस, उसके लिए क्या करना होगा, नीचे आपको जो एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको जो फटाफट से प्रेस कर दो। साथ में जो बेल आइकन होगा उसको ऑल पर सेट करना मत भूलना, जिससे फ्री फायर की आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिलती रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस, जैसे मैं यहाँ पे जो दिवाली पास इवेंट के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो एक अपना मेजर डाउट जो आप सबको जो होता है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस, जैसे आप जो है ऊपर एक दिवाली पास के बाद जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है जिसके ऊपर आप जो क्लिक कर दोगे तो देख लो यहाँ पे जो ओवरव्यू के अंदर जो रूल नंबर 2 है उसको आप लोग ध्यान से पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है द पास विल बी वैलिड फॉर 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। इसका मतलब ये होता है आप लोग जो जिस दिन से पास को परचेस करोगे उस दिन से लेके 7 दिन तक जो आपका जो पास है वो यहाँ पे जो वैलिड रहने वाला है, ठीक है। अभी देख लो, कल अपने गेम के अंदर जो इवेंट आया था, कल मैंने परचेस किया, तो देख लो ये 8 तारीख तक जो आप लोग इसको परचेस कर सकते हो। देख लो यहाँ पे जो है पास एक्सपायर होने यहाँ पे लिखा हुआ है 11/8, ठीक है, मतलब जो है 8 नवंबर को जो मेरा पास एक्सपायर हो जाएगा, ठीक। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेरी सेकंड आईडी के अंदर आपको जाके अपना जो दिवाली पास है उसको परचेस करके दिखाता हूँ, उसके अंदर जो है डेट्स क्या आती है, फिर आपको जो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको दिवाली पास इवेंट है उसको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। तो क्या जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं अपनी जो है सेकंड आईडी के अंदर आ चुका, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दिवाली पास इवेंट के अंदर चला जाता हूँ, ठीक है। तो क्या जैसे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे जो मैंने अब तक इस इवेंट के अंदर पास जो है परचेज नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो 9/10 का जो मतलब यहाँ पे पास परचेस कर देता हूँ। और अगर एक चीज़ का ध्यान रखो, कल अपने गेम के अंदर इवेंट आया था और आज की जो है 3rd of November है, मतलब एक दिन लेट मैं आपको जो है जानबूझ के परचेस, मतलब इस वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे जो परचेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर दिया तो देख लो यहाँ पे जो मेरा पास सक्सेसफुली परचेस हो चुका है। अभी जो आपको यहाँ पे जो चीज दिखनी है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है पास एक्सपायर्स ऑन 11/9, मतलब जो है 9 नवंबर को, मतलब मेरा पिछले आपने जो मेन आईडी में देखा वहाँ पे जो है 8 नवंबर था और यहाँ पे देख लो मैंने एक दिन बाद परचेस करा था, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ आ गया 9th November, मतलब यहाँ पे जो क्लियरली समझ में आ जाता है कि आप लोग जो है 8 नवंबर के पहले कभी भी इस पास को यहाँ पे परचेस कर सकते हो। और रही बात इवेंट गायब होने की, तो देख लो जिन लोगों ने यहाँ पे लेट परचेस किया उन लोगों के लिए इवेंट गेम में ही रहेगा और जिन लोगों का इवेंट खत्म हो चुका है उन लोगों के लिए जो इवेंट है गेम से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर आप जो है 2-3 दिन या फिर 4-5 दिन बाद भी अगर जो अपने दिवाली पास इवेंट को लेट परचेस कर रहे हो तो आपको ग्लोबल का स्किन और जो है वो मिलेगा या फिर नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको आज वीडियो पसंद आ चुकी है। तो वीडियो पसंद आती है प्लीज चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जो है राइट साइड आ रहा है बेल आइकन ऑल पर सेट करना मत भूलना, और अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इंस्टा पे भी फॉलो कर देना मत भूलना। तो ऐसे मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।